दोस्तों ये बल्ग हेड है, बल्ग हेड को अच्छी तरह से आप कस लेना है। इसकी चूड़ी होती है, अच्छी तरह से लगा लेना है इसको। इसको ऐसे कस देना है, पूरी तरह से टाइट कर देना। और इस पे लगा लेंगे पाइप, ऊपर वाले सेक्शन पे लगाएंगे पाइप जो सीधा सेडिमेंट फिल्टर में जाएगा और नीचे वाले में वेस्ट पानी निकलेगा इसका। इसको अंदाजे से काट लेंगे। तो दोस्तों क्लंपों के बीच में से नीचे वाले भाग से निकाल देना है पाइप को अच्छी तरह से। इसमें होल होते हैं तो ये सट जाएगा यहीं पे। इसको छोड़ देना है ऐसे ही, इसको बाद में लगाएंगे। तो ये सेडिमेंट फिल्टर है दोस्तों, इसको पहले ऊपर लगाएंगे। ये लगा लिया सेडिमेंट। अब ये एक एक्टिवेटेड कार्बन है, इसको नीचे लगाएंगे। ये इसका फ्लो इस तरफ होता है। अब दोस्तों जो पाइप पहले लगाई थी, जो ऊपर की तरफ लगाई थी, उस पर अब एल्बो लगा लेंगे। एल्बो लगा के जो सेडिमेंट के ऊपर वाले भाग में लगा देंगे। इसका फ्लो इस तरफ होता है, इस तरफ, और इसका दूसरा दूसरी ओर। ये छोटा पाइप इसको दोनों को कनेक्ट कर लेगा। इस पर भी एल्बो लगा लेंगे और दूसरी ओर से थोड़ा सा काट के एल्बो लगा के फिर लगा देंगे इसको। दोनों कनेक्ट हो गए आपस में। ये देखिए इसका फ्लो इस तरफ होता है। और अब पंप को नीचे रख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये एस वी है दोस्तों, ये लगेगी पंप के आगे। ये पहले एल्बो लगाएंगे पाइप पे। ये लगा दिया हमने कार्बन पे, तो कार्बन पे थोड़ा सा पाइप काट लेंगे। यहाँ पे लगेगी एस वी हमारे। इसका फ्लो देख लेंगे किधर की ओर है, इसकी इन आउट देख लेंगे। इस पर एरो बना होता है एक, ये रहा इसका एरो, ये बना हुआ है इस तरफ से, इस ओर से बना हुआ है। इसको लगा लेंगे। इन हमने ऊपर को रखनी है कार्बन वाली साइड को, तो आउट जो निकलती है वो कार्बन की इन में जाएगी। ऐसे लगा लेनी है हमने। तो जो इसका पाइप वाला हिस्सा बचता है वो लगा के पाइप ये पंप की इन में लगा देनी है। इन उस तरफ होती है पंप की, तो उसमें लगा देनी है। यानी यहाँ से निकल के पानी सीधा पंप में जाएगा और पंप की आउट में से निकल जाएगा। आउट इस तरफ होती है। ये दोनों क्लंप लगाएंगे, ये एक्स क्लंप है, इनको लगा लेंगे पहले। और ये मेम्ब्रेन हाउसिंग विद मेम्ब्रेन है, इसमें मेम्ब्रेन डली हुई है। तो एक्स, ये यूवी एक्स क्लंप है। एक्स क्लंप और यूवी एक्स क्लंप में फ़र्क होता है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे हम कभी, आपको बताएंगे। तो ये मिनरल कार्ट्रिज लगा ली हमने, तो उन पर एल्बो भी लगा ली है। तो जो पाइप हमने बचाया था वेस्ट वाटर का, उस पर एफ आर लगा लेंगे। एफ आर यानी कि फ्लो होता है। ये लगा लेंगे इस पर पाइप काट के इस तरफ लगा देंगे मेम्ब्रेन के बाहर की ओर। ये फ्लो का होता है, यानी कि वेस्ट पानी का फ्लो की एरो आपने बाहर की ओर रखनी है। और दूसरी तरफ लगा के पाइप ये लगा लेंगे मिनरल कार्ट्रिज यहाँ पे। ये ऊपर लगा लेंगे मिनरल कार्ट्रिज पे, और मिनरल कार्ट्रिज की आउट जहाँ से निकलती है वो सीधा यूएफ पे लगा देंगे। यूएफ लगाना ना लगाना ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते। मैंने लगाया हुआ है। यूएफ से निकल के सीधा टंकी में जाएगा पानी। दोस्तों अब लगाएंगे हम पावर अडाप्टर। ये 24 वोल्ट की तार है और दूसरी ओर हमारी 220 वोल्ट की तार होती है। इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि 220 वोल्ट उधर की साइड रहे और 24 वोल्ट इधर की साइड। तो तार निकाल लेंगे पीछे से, तार के कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों तार के कनेक्शन आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही तार के कनेक्शन करने हैं दोस्तों आपने डायग्राम के हिसाब से। तो हम लगा लेंगे इसका स्विच, लगा लेंगे। अब 24 वोल्ट की तारें भी आपस में जोड़ लेंगे। सबसे पहले एक सिंगल, एक एक सिंगल सिंगल तीनों की जोड़ लेंगे, एक पंप की, एस वी की और सप्लाई की, पावर सप्लाई की। तो दूसरी भी जो तीन तारें बचती है वो भी आपस में जोड़ लेंगे। तो ऊपर से लगा देंगे इसको टेप सेफ्टी के लिए। तो फिर बाद में ये सारी तारे आपस में जोड़ के इसको पीछे की ओर धकेल देंगे ताकि ये दिखे ना आगे की ओर। तो ये पंप का आगे वाली साइड पे पाइप लगा लेंगे, ये मेम्ब्रेन में जाएगा सीधे। तो दोस्तों टाइयाँ लगा लेंगे, दो टाइयाँ आपस में जोड़ के साथ में बांधने के लिए। सारे फिल्टर को लगा देंगे, सारे फिल्टर साथ में बंध जाएंगे। इसको बाद में कसेंगे और बाद में काटेंगे टाई को। तो पहले हम चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों चल रहा है फ़िल्टर और पानी भी निकल रहा है, हमने सेटअप कर लिया पूरा, तो देख सकते हैं आप।
तो दोस्तों फ़िल्टर अपना बनके तैयार हो गया है, अब इसको लगा लेंगे, पूरा सेटअप कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।